हेलो एंड वेलकम। ये हमारा पावर्टी इन इंडिया का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने द डेफिनेशन ऑफ द पावर्टी, द टाइप्स ऑफ द पावर्टी एंड द मेन फीचर्स एंड द डिफरेंट टर्म्स, जो पावर्टी इन इंडिया के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स थे वो भी हमने इसमें डिस्कस किया है। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। तो हम लोग अगर लास्ट वीडियो की बात करें, वी वेर डिस्कसिंग अबाउट द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, जहाँ पर इफ़ यू टॉक अबाउट द ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ द पावर्टी, ट्रेडिशनल मीनिंग में हमने तीन चीज़ों को इंक्लूड किया था, दैट इज़ द फूड, वाटर एंड द शेल्टर। लेकिन मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स में हमने 10 अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड किया, 10 इंडिकेटर्स वी हैव इंक्लूडेड इन द मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स MPI। तो MPI 2011 में आया था, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 2011 में आया था। इट इज़ एसोशिएटेड विथ सबीना अल्काइर एंड जेम्स फॉस्टर। इन दो रिसर्चर्स इकोनॉमिस्ट्स ने MPI का कॉन्सेप्ट दिया। तो हमने अगर 10 अलग अलग इंडिकेटर्स को इंक्लूड किया तो ये होता है न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी। न्यूट्रिशन, नॉट ओनली फूड, द थ्री इंडिकेटर्स वी आर इंक्लूडिंग एज अ डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी, लाइक द फूड। सो ओनली फूड इज नॉट इनफ, द न्यूट्रिशनल मील इज नेसेसरी, द न्यूट्रिशियस मील इज नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। केवल राइस ऑन, इफ एनीबडी टेक ओनली राइस, ओनली कैलोरी इनटेक इज नॉट इनफ। केवल कैलोरी हम लोग ले रहे हैं, लेकिन हमारे में अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो इसका मतलब कि हम लोग गरीब हैं। अगर हम लोग इंडिया की बात करें, 5 में से 3 लड़के अभी भी अंडर नरिशमेंट मैल न्यूट्रिशन से सफ़र करते हैं। ओनली फूड इज़ नॉट इनफ, न्यूट्रिशियस फूड इज नेसेसरी। सो न्यूट्रिशन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर। नेक्स्ट वन इज़ अ चाइल्ड मॉर्टेलिटी, यानी कि द लॉन्गिविटी ऑफ द चाइल्ड, मॉर्टेलिटी रेट। ये जितना जितना अगर ज़्यादा होता है, अगर चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट, सॉरी, तो ये गलत है। चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट शुड बी लेस इन द डेवलप्ड कंट्री, ओनली देन इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ द पॉवर्टी। इफ़ द चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट इज़ मोर, देन इट मीन्स द पॉवर्टी इज़ देयर इन योर कंट्री, आपके देश में गरीबी है, हेल्थ सिस्टम प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है। थर्ड आता है ईयर्स ऑफ द स्कूलिंग। अगर आपका इकोनॉमी अच्छी है, अगर आप गरीब नहीं हैं, then you will be able to take, you will be able to send your child to the schools. तो ये जितना ज़्यादा हो years of the schooling, जितना ज़्यादा होता है ये उतना ही better है। अगर किसी गरीब देश में the child mortality rate would be higher, ज़्यादा होगा child mortality rate and the years of the schooling ये कम होगा किसी गरीब देश में। School attendance it should be higher in the developed country. अगर आपके देश में गरीबी है तो ये स्कूल अटेंडेंस काफ़ी कम होगा। ओनरशिप ऑफ द एसेट्स, आपके पास कोई ज़मीन या प्रॉपर्टी है या नहीं, अगर है तो आप गरीब हैं, अगर नहीं है तो आप, अगर है तो आप अमीर हैं, नहीं है तो आप गरीब हैं। एक्सेस टू द प्रॉपर हाउस, प्रॉपर हाउस, अगर आपके पास है तो आप गरीब नहीं हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप गरीब हैं। अगर आपके पास, इट इज़ रिलेटेड टू द मकान, इट इज़ रिलेटेड टू द रेसिडेंस, शेल्टर, प्रॉपर हाउस, नॉट ओनली द स्लम एरिया, झोपड़ी नहीं। इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू हैव द इलेक्ट्रिसिटी यू आर नॉट पुअर, इफ यू डोंट हैव द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो आप गरीब हैं। ड्रिंकिंग वाटर, अगर नहीं है तो गरीब हैं। सैनिटेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन इज मोर और लेस सिमिलर, हेल्थ और सैनिटेशन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपके पास सैनिटेशन नहीं है तो यानी कि यू आर नॉट अ हेल्दी लाइफ, यू आर नॉट लिविंग अ हेल्दी लाइफ। क्लीन कुकिंग फ्यूल, यानी कि द कुकिंग गैस, इफ यू डोंट हैव द कुकिंग गैस दैट मीन्स यू आर अ पुअर। नाउ इन द उज्ज्वला योजना, द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग द कुकिंग फैसिलिटी टू एवरी हाउस होल्ड्स, इवन इन द रूरल हाउस होल्ड्स। सो ये हमारे 10 इंडिकेटर हैं, दीज आर द 10 इंडिकेटर्स विदाउट विच You are living in a poor condition. अगर ये आपके पास नहीं है, किसी एक का भी अगर आपकी लाइफ में अभाव है, यानी कि यू आर लिविंग इन द पुअर
poor conditions. So three indicators in the MPI. The economists are emphasizing on 10 indicators. So तीन indicator के अलावा ये 10 indicator आज के time में ज़्यादा relevant हैं poverty का मापने के लिए. So I hope it is clear. Now the causes of the poverty. हमारे देश में गरीबी के कारण क्या हैं? क्या क्या वजह है हमारे देश में गरीबी की? अगर इसमें हम लोग अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे. सो सबसे पहला फैक्टर आता है द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. पॉपुलेशन इज अ मेजर प्रॉब्लम. आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड. बाय 2025 इट विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस नेशन ऑफ द वर्ल्ड. 2025 के आते आते हम लोग सबसे बड़ा पॉपुलेशन हमारे देश में होगा, चाइना को पीछे छोड़कर. नाउ द रिसोर्स इज लिमिटेड. रिसोर्स हमारे देश में तो लिमिटेड हैं, रिसोर्स तो इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बट द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एंड इट इज क्रिएटिंग अ स्केयरसिटी ऑफ द फूड, द लैंड, द हाउसिंग प्रॉब्लम. दीज आर बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोशन. नेक्स्ट आता है लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. हमारे देश में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अभी बहुत ही लो है. क्यों? क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर फील्ड जो हैं, एग्रीकल्चर लैंड, वो फ्रैगमेंटेड कंडीशन में है. छोटे छोटे लैंड, अगर छोटे छोटे लैंड कहीं पर होंगे तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगी, खर्च ज़्यादा आएगा. क्योंकि आप सिंगल प्लॉट में एग्रीकल्चर करने के लिए जितना लेबर पावर और फर्टिलाइजर लगाएंगे उसमें दो प्लॉट आराम से आ जाएंगे. तो अगर एग्रीकल्चर फील्ड फ्रेगमेंटेड है, छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम होगा. अगर एक सिंगल लैंड है आपके पास तो वहाँ पर कम खर्च में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आएगी. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी हमारे देश में लो होने की वजह है पावर्टी का होना. हमारे देश में चूंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो है इसीलिए हमारे देश में पावर्टी है, ये भी एक वजह है. दूसरा है द पुअर टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी बहुत ही कम है हमारे देश में. पुअर टेक्नोलॉजी की वजह से भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हम लोग का काफ़ी कम है. साथ ही साथ लो एग्रीकल्चर के वजह से, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के वजह से हमारे देश में गरीबी आती है. थर्ड इज द इनिफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन. रिसोर्स यूटिलाइजेशन हमारे हमारे देश में प्रॉपर नहीं है. फोर्थ रीजन है लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. हमारे देश में LPG मॉडल 1991 में शुरू किया गया. हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी कम रहा है LPG मॉडल अडॉप्ट करने के पहले, यानी 1991 के पहले हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ही कम था. इन 1991 वी स्टार्टेड LPG मॉडल, दैट मीन्स द लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन. तो इस LPG मॉडल अपनाने के बाद आफ्टर 1991 वी स्टार्टेड गेटिंग न्यू टेक्नोलॉजी फ्रॉम द फॉरेन कंट्री. तो ये एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का. इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लो बिकॉज वी अडॉप्टेड लिबरलाइजेशन लेटर आफ्टर 1991. सो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे देश में पॉवर्टी होने का. नेक्स्ट वन इज द प्राइस राइज. हमारे देश में राइज ऑफ प्राइसेस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. नाउ राइज ऑफ प्राइसेस, व्हाई इट इज हैपनिंग. हमारे देश में राइज ऑफ प्राइसेस होता क्यों है? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन, इंक्रीज ऑफ द डिमांड इंक्रीजिंग, द प्रोडक्शन इज लो, लो प्रोडक्शन. ये सारे रीजंस हैं हमारे देश में राइज ऑफ प्राइसेस होने के. सामान के दाम बढ़ेंगे. सामान के दाम तभी बढ़ते हैं जब आपके देश में किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की कमी है. नाउ ये कमी होती क्यों है? ये कमी होती है या तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गया या फिर प्रोडक्शन कम हो गया. प्रोडक्शन कम होने की वजह से इट राइजेज द प्राइसेस. द प्राइसेस विल इंक्रीज. किसी भी सामान का अगर प्रोडक्शन कम हो गया तो उसके प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे. अनदर थिंग, इम्पोर्ट ड्यूटीज, टैक्सेस,
मेनी टैक्सेस आर देयर ऑन द इम्पोर्ट ऑफ एनी कमोडिटी। किसी सामान का हम लोग बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उसके टैक्सेस बढ़ गए हैं। इन सब चीज़ों की वजह से हमारे देश में किसी भी सामान के मूल्य का काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये भी एक कारण है गरीबी का। नेक्स्ट वन इज द अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन है, बिकॉज इट इज वेस्टिंग द लेबर पावर। बिकॉज ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट लेबर पावर हमारे वेस्ट होते जाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से गरीबी आती है। इफ यू डोंट हैव जॉब्स इट विल लीड टू पॉवर्टी। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर पॉवर्टी आएगी ही, गरीबी आएगी ही। सोशल फैक्टर इज द नेक्स्ट वन। एंड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर में हमारा एक सेपरेट वीडियो आने वाला है, जिसमें हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट टाइप्स, मीनिंग, द मेन मेजर्स टू कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट आता है सोशल फैक्टर्स। बिकॉज ऑफ सोशल फैक्टर्स वी आर गोइंग टूवर्ड्स द पॉवर्टी। जैसे कि कोई जनरल कास्ट का आदमी कारपेंटर का काम नहीं करना चाहता, द वर्क ऑफ कारपेंटर, द वर्क ऑफ कोबलर, इट विल नॉट बी एडॉप्टेड बाई अ हायर कास्ट मैन। द रिलीजियन इज ऑल्सो अ फैक्टर। स्टिल पीपल थिंक अबाउट द रिलीजियन फर्स्ट, ऑक्यूपेशन सेकेंड। तो कोई भी जनरल कास्ट का आदमी कोई स्वीपर का काम, कोबलर का काम या कारपेंटर का काम जल्दी एडॉप्ट नहीं करता है, जिसके वजह से पॉवर्टी आती है। द नेक्स्ट वन इज द क्लाइमेटिक कंडीशन। फ्लड, ड्रॉट, अर्थक्वेक, दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स विच ऑल्सो लीड टू डिवास्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। हमारे देश में स्टोरेज सिस्टम का बहुत अभाव है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो लो है ही, वी डोंट हैव प्रॉपर गोडाउन्स फॉर द सेफ स्टोरेज ऑफ फूड क्रॉप्स। राइस, वीट, शुगर, दीज आर रॉटेन ऑन द ओपन स्काई वेन एवर द रेनफॉल हैपन्स। चावल, गेहूं, ये सारे फूड आइटम्स को रखने की कोई जगह ही नहीं है। वी डोंट हैव गोडाउन्स स्टिल इन द 21st सेंचुरी। ऑन वन साइड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज लो। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो हमारा पहले से ही लो है, स्टोरेज सिस्टम है ही नहीं, जिसके वजह से बहुत सारा अमाउंट ऑफ फूड क्रॉप्स खराब हो जाता है और ये लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी तो लो है, स्टोरेज सिस्टम भी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी आर लैकिंग, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फूड आइटम्स। ये सारे रीजंस मिला करके हमारे देश में गरीबी को पैदा करते हैं। लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इनफिशियंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्राइस राइज, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल फैक्टर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, डिवास्टेशन, ये सारी चीज़ों मिला करके हमारे देश में गरीबी है। सिंगल फैक्टर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया हैज़ नेवर बीन अ पुअर कंट्री, बट बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट इज सो हाई दैट इंडिया इज टर्निंग इंटू अ पुअर कंट्री। इंडिया हैज़ नेवर बीन अ पुअर कंट्री, बट बिकॉज ऑफ द मिसमैनेजमेंट मेनी फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉवर्टी इन इंडिया। तो ये सारे रीजंस हैं। इंडिया कभी गरीब था ही नहीं। इंडिया वॉज कॉल्ड द गोल्डन बर्ड, द गोल्डन बर्ड। इट वॉज मेनली फेमस फॉर द स्पाइसेस, सिल्क रूट, जहाँ से बहुत सारे रेवेन्यू आते थे मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर के टाइम और कुषाण डायनेस्टी के टाइम। बट देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच आर थ्रोइंग इंडिया इनटू पॉवर्टी। आई होप ऑल दीज रीजंस आर क्लियर। नाउ यू इफ एनीबडी आस्क, इफ एनी क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, व्हाट आर द रीजंस, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द पॉवर्टी, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके अपना आंसर लिख पाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, हैज अडॉप्टेड मेनी प्रोग्राम्स फॉर द रिमूवल और एलिविएशन ऑफ द पॉवर्टी। सबसे पहला आता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहां पर एम्प्लॉयमेंट जेनरेट करने की बात की गई थी। IRDP,
एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई थी, बट दिस प्रोग्राम ऑल्सो कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, ये भी पूरी तरह से सफल नहीं रहा। जवाहर रोजगार योजना, इसमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की बात की गई, कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला भी इसके जरिए, बट इन अ लिमिटेड स्पेस, बहुत ही कम अमाउंट में रोजगार जनरेट किया गया। द पावरफुल वन, द मोस्ट पावरफुल वन इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा इन 2005 बाय यूपीए गवर्नमेंट। इट वाज अ बोल्ड मैकेनिज्म फॉर गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू द यंगर पीपल। सबसे बड़ा पॉवर्टी का रीजन होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में लोगों का जाना, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है गरीबी का। तो ये इसे रोकने के लिए हमारे देश में मनरेगा स्टार्ट किया गया, जहां पर रूरल इंडिया में ही आपके गांव में इन योर ओन एरिया यू विल बी गिवन 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट विल बी गिवन इन योर रूरल इंडिया इन योर ओन विलेज। इफ यू डोंट गेट द 100 डेज एम्प्लॉयमेंट यू विल गेट कॉम्पेंसेशन। अगर आपको 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है तो आपको भत्ता मिलेगा, इसमें भत्ते की बात भी कही गई थी। ये बहुत बड़ा फैक्टर था एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लेकिन बिकॉज ऑफ द करप्शन इट इज नॉट प्रैक्टिस, स्टिल इट इज एक्टिव। अभी भी मनरेगा के अंतर्गत काफी लोगों को रोजगार मिलता है। नेक्स्ट वन इज द नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इट इज ऑल्सो पार्शली सक्सेसफुल, कुड नॉट बिकम सक्सेसफुल, बट द मेन सक्सेस प्लान वॉज द मनरेगा। नेक्स्ट वन नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, हेयर ऑल्सो द एम्प्लॉयमेंट, इट ऑल्सो टोल्ड अबाउट द जेनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बाय इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट, इट इज अ इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 फॉर स्किल डेवलपमेंट। लोगों में स्किल डेवलप करने का ये एक प्रोसेस था, बिकॉज इफ द पीपल हैव द स्किल दे विल गेट द जॉब्स। नेक्स्ट वन इज प्रधानमंत्री जनधन योजना, इट इज ओपनिंग ऑफ द बैंक अकाउंट, द 15 मिलियन पीपल ओपन दियर बैंक अकाउंट, द 15 मिलियन पीपल। नाउ वट इज द बेनिफिट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट, ऑन वन साइड द गवर्नमेंट इज गेटिंग द मनी बाय ओपनिंग द अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट, इट वॉज स्टार्टेड विद द जीरो बैलेंस अकाउंट से इसकी शुरुआत की गई थी। 15 मिलियन अकाउंट इसमें खोले गए थे लोगों के सेविंग अकाउंट। अनदर थिंग, एनी बेनिफिट द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग, गवर्नमेंट अगर कोई बेनिफिट देती है तो लोगों पर पहुंच नहीं पाता है। तो इस बैंक अकाउंट के जरिए गवर्नमेंट ने ये सोचा कि अगर हम लोगों के बैंक अकाउंट ओपन करवा देते हैं तो डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम के थ्रू लोगों को बेनिफिट किया जा सकता है, जिससे गरीबी दूर हो सकती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की। इट वॉज ऑल्सो अ सक्सेसफुल वन, 15 मिलियन पीपल अकाउंट हैज बीन ओपेंड टिल नाउ एंड स्टिल द अकाउंट इज ओपनिंग अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना, अभी भी ये योजना चल रही है। सो आई होप दैट दीज आर क्लियर फॉर एवरीवन। इसमें हमने एमपीआई, इस वीडियो में हमने एमपीआई के बारे में बात की, द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी के बारे में बात की, एंड द मेन प्रोग्राम्स फॉर द पॉवर्टी एलिविएशन। सो आई होप दैट यू हैव लाइक द वीडियो। सो थैंक यू फॉर इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, थैंक यू एंड Have a nice day.